नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। कानपुर में हुए मुठभेड़ ने खाकी को कभी ना भूलने वाला नासूर दे दिया है। 3 जुलाई को शातिर बदमाश विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने टीम पर किया हमला। इसमें 8 जवान शहीद हुए, जिसके बाद कानपुर से लेकर झांसी और मथुरा से लेकर प्रयागराज तक शहीदों के परिवार में मातम पसर गया है। बांदा के रहने वाले शहीद सीओ देवेंद्र कुमार मिश्रा मार्च 2021 में ही रिटायर होने वाले थे। उन्हें साल 1980 में दरोगा के पद पर तैनाती मिली थी। नौकरी में इतना लंबा जीवन देने के बाद वो 9 महीने बाद रिटायर्ड होने वाले थे। शहीद सब इंस्पेक्टर नेबूलाल प्रयागराज के नववान गांव के रहने वाले थे। उनके शहीद होने की खबर से उनके घर में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मंदना चौकी इंचार्ज अनूप सिंह लॉकडाउन में छुट्टी ना मिलने के चलते अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ नहीं जा पाए थे, लेकिन यह वीर सिपाही अब 3 दिन की छुट्टी मंजूर करवा कर अपने गांव वापस आने वाले थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उनके आने से पहले ही उनकी शहादत की खबर आ गई। वहीं रिटायर्ड दरोगा का वीर बेटा राहुल भी उन 8 लोगों में है जो इस वारदात में शहीद हुए हैं। उनका पैतृक निवास औरैया है, लेकिन पूरा परिवार अभी गाजियाबाद के मोदी नगर में रहते हैं। वहीं शहीद एसआई महेश यादव रायबरेली के बनपुरवा गांव के रहने वाले थे और उसी रात 9 बजे खाना खाकर 10 बजे दोबारा ड्यूटी पर चले गए थे। शहीद हुए 2 सिपाही आगरा मंडल के रहने वाले थे। इनमें सिपाही बबलू कुमार आगरा के फतेहाबाद के रहने वाले थे, जो 2018 में पुलिस में भर्ती हुए थे। तो वहीं जितेंद्र मथुरा जिले के रहने वाले थे। बेटों की पुलिस में नौकरी लगने से परिवारों में खुशियां आनी शुरू ही हुई थी, लेकिन बदमाशों की दुस्साहसिक करतूत ने इनके परिवारों में मातम पसर दिया। वही हमले में शहीद हुए झांसी के सुल्तान सिंह का गुरुवार को जन्मदिन था। सुबह परिवार के साथ ही तमाम परिचितों से शुभकामनाएं लेने के कुछ समय बाद ही सुल्तान सिंह को दबिश में जाना पड़ा और यह दबिश उनकी अंतिम दबिश साबित हुई। कानपुर में हुए कांड से आज पूरा देश बौखलाया हुआ है। शहीदों के परिवार से लेकर आम जनता तक ने विकास दुबे के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। वहीं 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।